हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बीए सेमेस्टर 3 कंपलसरी इंग्लिश में स्टोरी नंबर 5 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। स्टोरी नंबर 5 है विवेकानंदा बाय रोमैन रोलैंड, जिसका फुल टाइटल है विवेकानंदा द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट। क्वेश्चन 1, विवेकानंदा द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट इज एन एसे बाय रोमैन रोलैंड, समरसेट मॉम, एंटन चेखव और विवेकानंद। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये जो ऐसे है वो रोमैन रोलैंड द्वारा लिखा गया है। रोमैन रोलैंड वॉज अ फेमस ब्लैंक ऑथर, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, इंडियन और ब्रिटिश। तो रोमैन रोलैंड जो है एक फ्रेंच ऑथर थे। सो इसका जवाब आएगा ऑप्शन बी। रोमैन रोलैंड वॉज बॉर्न इन द ईयर 1844, 1866, 1888, 1899। सो रोमैन रोलैंड का जन्म 1866 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी। रोमैन रोलैंड वॉज डाइड इन द ईयर 1955, 1966, 1944, 1977। सो रोमैन रोलैंड की डेथ हुई थी 1944 में, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, जीन क्रिस्टोफ इज नॉवल बाय एंटन चेखव, रोमैन रोलैंड, समरसेट मॉम, नन ऑफ द अबव। सो ये जो नॉवल है जीन क्रिस्टोफ, ये रोमैन रोलैंड द्वारा लिखी गई है। सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। रोमैन रोलैंड रिसीव्ड नॉबल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन द ईयर 1912, 1913, 1914, 1915। सो रोमैन रोलैंड को 1915 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन वॉज हेल्ड इन इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और शिकागो। सो इसका सही जवाब आएगा डी, शिकागो। When did Vivekanand begin his journey? Options A, on 30th May 1893, option B, on 31st May 1893, option C, 25th May 1893 और option D, 31st May 1993। सो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑन 31st May 1893। द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन वॉज हेल्ड ऑन मंडे 11 सितंबर 1893, संडे 11 सितंबर 1893, मंडे 12 सितंबर 1893 और ऑप्शन डी, संडे 11 सितंबर 1993। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, यानी कि मंडे 11 सितंबर 1893। क्वेश्चन 10, एवरीवेयर इन जापान एंड चाइना विवेकानंद फाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न ब्रिटेन, एंशियंट इंडिया और एंशियंट ब्रिटेन। सो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, एंशियंट इंडिया। सो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।